तो इंडिया का त्योहार वापस आ रहा है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर छोड़ो, नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूँ क्रिकेट कीड़ा के एकदम नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा आईपीएल के शेड्यूल और उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि आईपीएल का शेड्यूल जस्ट नाउ आ चुका है और ये 9 अप्रैल से 30 मई के बीच खेला जाएगा और 6 शहरों में खेला जाएगा, जिनका नाम है अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु। तो इन 6 शहरों में खेला जाएगा और जो प्ले ऑफ मैचेस होंगे वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके अलावा जो लीग मैचेस होंगे वो 6 स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो 4 40 दस दस मैच खेले जाएंगे, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई और मुंबई में, और बाकी 8 8 मैच अहमदाबाद और दिल्ली में खेले जाएंगे। और इसमें से 11 मैच डबल हेडर होंगे और डबल हेडर मैच दोपहर के 3:30 बजे शुरू होंगे और जो शाम के मैच है वो शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे। तो ये कुछ अहम जानकारियां हैं। तो फिलहाल स्पेक्टेटर्स को लेकर एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि स्पेक्टेटर्स अभी फिलहाल शुरुआती कुछ मैचों में आईपीएल में नज़र नहीं आएंगे और खिलाड़ी बायो बबल में रहेंगे। पर कुछ मैचों बाद कोरोना की स्थिति देखते हुए उन शहरों के हिसाब से वहां पे स्पेक्टेटर्स को अलाउंस मिल सकती है। इस आईपीएल की खास बात यह है कि इसमें कोई भी मतलब होम और अवे वेन्यू नहीं होगी, सब न्यूट्रल वेन्यू से मैच खेले जाएंगे और सारे मैच को एज ए न्यूट्रल वेन्यू ट्रीट किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों खैर इतनी बातें बता दी आप लोगों को, लिए आइए आईपीएल का शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो आईपीएल का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप देख सकते हैं। पहला मैच जो है मुंबई और बैंगलोर के बीच खेला जाएगा और ये खेला जाएगा चेन्नई में, मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। पर हमने कहा आपको शेड्यूल के साथ साथ अहम जानकारियाँ भी तो बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेड्यूल जान के अपना खत्म करो कोई बात, आईपीएल में तमाम खबरें होती हैं। तो फिलहाल ये 3 4 खबरें हैं स्पेक्टेटर्स वाली और न्यूट्रल वैल्यू वाली। एक और बात यह कि सारे प्ले ऑफ मैच ये लगभग तय है कि अहमदाबाद में खेले जाएं, पर कुछ शायद अगर मैनेजमेंट का कुछ इस पे फैसला ले सकता है कि ये डिवाइड भी किए जा सकते हैं और ऐसा होगा कि एक टीम को लीग फेज के दौरान मैक्सिमम 3 बार ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इतना अच्छा बंदोबस्त किया है जिससे कोरोना का जो फैलाव है उसका रिस्क है वो कम से कम हो और सारे हमारे दर्शक आईपीएल का लुत्फ़ भी उठा सकें, फिलहाल टेलीविज़न पे, आने वाले समय में मैदान पे भी। और क्रिकेट कीड़ा यही सोचता है कि सारे आईपीएल फैन, क्रिकेट फैंस को सारी ताज़ा जानकारियाँ सही से बताएं और ये हमारा कोशिश रहती है। तो अगर आपको ये कोशिश मेहनत हमारी अच्छी लगती हो तो लाइक करो और शेयर भी करो, और हम मेक इन इंडिया हैं, हम इंडिया से ही डेवलप हुए हैं, और तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो हमारे चैनल में, हमारी वेबसाइट पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हमको प्रमोट करोगे तो आप इंडिया को प्रमोट करोगे, और बाकी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे हमको फॉलो भी कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहन के निकलिए, और जो लोग 50 साल के ऊपर हैं वो वैक्सीन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए नमस्कार, बाय बाय।